हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? 1.5 साल बाद आज तो वीडियो अपलोड कर रहा और पूछता है कैसे हो आप लोग। पूछना तो बनता है कि कैसे हो आप लोग। और वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, इतना टाइम क्यों लगा वीडियो को अपलोड करने में, एक नया वीडियो शूट करने में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के बारे में, जो वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज ही के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली चैनल पे लास्ट 10 डेज से सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम 2019 में मैं पहला वीडियो डाला था और तब से अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 10 दिन तक मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, चाहे वो 10 सेकंड या 15 सेकंड का ही हो। इतना होने के बाद लगा कि अब एक लॉन्ग वीडियो तो बनता है, तो इस लॉन्ग वीडियो के लिए चलते हैं पीछे। कितना पीछे? तो 14th अगस्त की शाम में मुझे याद आता है कि चलो कल 15th है, तो कल कोई ना कोई राइड 100% होगा, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब से बात किया तो पता चला हाँ 15th को एक राइड है, फ्रीडम राइड। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कोई नहीं, कल मॉर्निंग में सेक्टर 34 चंडीगढ़ आ जाना, फिर देखते हैं। फिर क्या था, रात में मैं अपना GoPro, बैटरी चार्जर, हर चीज़ को इकट्ठा किया, चार्ज किया, सो गए। और अगले मॉर्निंग मेरा नींद खुलता है 7:15। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हर बार की तरह ये राइड जो था वो टाइम पे नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ 34, अभी हम भी ऑन द वे ही हैं। फिर मैं पहुंचता हूं सेक्टर 34। और सेक्टर 34 में एक ज़बरदस्त सा भीड़, कई सारे राइडर ग्रुप जो कि पंजाब और हरियाणा से आ रखे थे। और ये राइड जो था ये ऑर्गेनाइज्ड बाय था कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट एंड द थम्पर्स कैफ़े, इसके अलावा सुजुकी और हम सब का अपना प्यारा, आपने भी बहुत सुना होगा, रेड FM 93.5 बजाते रहो। यहाँ एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने और लेने के बाद हमारा सफ़र शुरू होता है। और सफ़र कहाँ तक पहुँचता है ये जानने के लिए आपको वीडियो में थोड़ा अंत तक बना रहना होगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहोगे तो हमारा वॉच टाइम काउंट हो जाएगा और 2-4 व्यूज़ आ जाएंगे। हो सकता है आखिरी में आप इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो खैर बहुत बकवास हो गई, आते हैं सीधे पॉइंट पर। इसके बाद सेक्टर 34 चंडीगढ़ से हम रवाना होते हैं रोपर की तरफ। और रोपर तक जाने में जो आनंद आया वो बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं ये मार्च या अप्रैल 2021 के बाद मैं ये राइड किया हूँ, तो मेरे लिए तो खैर एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव था ये। और इस तरह से हम पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यानी हवेली रोपर। यहाँ पहुँचने के बाद सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। खाना ख़त्म करने के बाद कई लोगों से वहाँ मैं मिला, कई सारे राइडर्स ग्रुप थे, कई सारे इंडिविजुअल राइडर्स थे, कई सारे और भी लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, जिनका प्रोफेशन तो बिल्कुल अलग था लेकिन बाइकिंग उनका कहीं ना कहीं शौक था। तो इन लोगों से मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद किसी राइड पे मैं गया था
और राइड बेसिकली ये राइड नहीं होता है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आप एक सिक्स डेज लॉन्ग वर्किंग डेज के बाद, वैसे तो आपको अल्टरनेट संडे या सैटरडे पे जरूर कहीं ना कहीं जाना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं ये बहुत दिनों बाद खुद को थोड़ा सा टाइम दिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इस वीडियो का कोई भी पार्ट जो आपको सबसे बेहतर लगा हो तो उसके बारे में भी कमेंट में बताना। इस वीडियो में इतना ही, और एक अपडेट देते हुए जा रहा हूँ कि मैंने कुछ मंगवाया है इस चैनल को और कंटिन्यू करने के लिए, दिस वन एंड दिस वन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, और फिलहाल के लिए थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।